मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल को लेकर गुरुवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद बिहार चुनाव आयोग ने जिले के दो बड़े अफसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। बिहार निर्वाचन आयोग ने मुंगेर की पुलिस कप्तान लिपि सिंह और जिलाधिकारी राजेश मीणा को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। इन दोनों अफसरों के ऊपर कार्रवाई के बाद अब मुंगेर के DIG मनु महाराज ने कमान संभाल लिया है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मनु महाराज इलाके में कैंपिंग कर रहे हैं। DIG मनु महाराज ने कहा कि हम पहले भी अपील कर चुके हैं कि लोग शांति से रहें, जो भी स्थिति है उसे नियंत्रण में किया जा रहा है, उपद्रवी तत्व बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाएं। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस कार्रवाई करेगी। 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। DIG मनु महाराज ने आगे कहा कि निश्चित रूप से उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मीडिया फुटेज सामने आए हैं, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। DIG मनु महाराज ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गोलीकांड मामले की जांच भागलपुर और गया के उच्च स्तरीय अधिकारी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंगेर पुलिस बिगड़े हालात पर काबू पाने में अब तक असफल रही है। इस कारण पास के दूसरे जिलों की पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। लखीसराय, जमुई और शेखपुरा से पुलिस फोर्स को जल्द ही मुंगेर बुलाया जा सकता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाए जाने की तैयारी चल रही है।